सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल महमूद अली को और इस बेल आइकन को दबाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने किस तरीके से इंग्लिश टेक्स्ट को उर्दू में पढ़ना है, मतलब आपको किसी ने मैसेज किया इंग्लिश में तो आप उर्दू में किस तरीके से उसको रीड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अगर समझ ना आ रहा हो। एक क्लास मैंने ली थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप उर्दू बोलें और ऑटोमेटिक वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा था मैसेज, तो ये क्लास भी हमारे चैनल पर मौजूद है। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप जाके विजिट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम सीखते हैं कि हमें किस तरीके से इंग्लिश मैसेज को उर्दू में पढ़ना है। तो प्ले स्टोर आप ओपन कर लें, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने इसमें सर्च करना है आई ट्रांसलेट, ठीक है, आई ट्रांसलेट इंग्लिश लैंग्वेज टूल। तो इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे आप अपने पास। बहुत इजी तरीका है, इजी वे है हमारे पास ये, जिससे हम अपने इंग्लिश में मैसेज को उर्दू में पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। जो आपका मैसेज होगा इंग्लिश में उसको ऑटोमेटिक वो उर्दू में कन्वर्ट करके दे देगा। इंस्टॉलिंग पे है, अब ये इंस्टॉल हो गया। ये इंस्टॉल हो गया, अब इसको आपने ओपन कर लेना है। ओके करेंगे आप, डिस्प्ले ओवर दी ऐप पे आपने इसको अदर एप्स की जो इसको ऑन कर देना, अलाउ कर देंगे हम इसको। ये हाई ट्रांसलेट इसको भी ऑन करना है आपने, नेक्स्ट करें आप इधर से, यहाँ पे आएगा हाई ट्रांसलेट ऑफ इस वक्त, इसको आप ऑन कर लीजिए, ओके कर दें। ऑन हो गया, अब हम ज़रा चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें स्टार्ट का इसने दे दिया है, ट्यूटोरियल आप देखना चाहें तो ट्यूटोरियल देख लें, ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरीके से आपने इसको देखना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट पे क्लिक कर दें आप सिंपल, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए दिखा रहा है, तो इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसने बोला कि माई लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई हमारी लैंग्वेज इधर आके आप इसको कर दें उर्दू में, और जो मैसेज आया है वो आया है इंग्लिश में, ठीक है। माई लैंग्वेज उर्दू और फ्रेंड्स जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, और यहाँ पे ये देखिए ये बटन आ रहा है आपके पास रेड है, इस वक्त ये ऑन कर दें इसको आप। चलिए ऑन ही था वो, रेड ऑन हुआ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आपका जो मैसेज है ये देखें साइड में एक जो है ऑप्शन आ रहा है आपको, ये देखिए जो ओपन और ऑप्शन साइड में ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ठीक है जी। इसकी मदद से हम जो है उर्दू में कन्वर्ट होगा हमारे पास टेक्स्ट। मैं यहाँ से मैसेज ओपन कर लेता हूँ कोई, ये देखिए मैसेज मैंने ओपन किया हुआ, एक कोरोना अलर्ट के हवाले से मैसेज आए हुए मेरे पास, ये सारे इंग्लिश में मैसेज आया हुआ है, हैंड शेकिंग हैंड, तो इसको हम लोग जो है
पढ़ के देखते हैं कि उर्दू में किस तरीके से दिखेगा। आपने इस डॉट पर क्लिक करना है, तो साइड में डॉट आ रहा था, ये वाला डॉट, इस डॉट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है मूव पे, ये मूव लिखा आ रहा है, इस मूव पे आपने क्लिक कर देना है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। अब जो मैसेज आपने पढ़ना है उधर ये ड्रैग कर लीजिए आप, ये देखें मैंने उस पर ड्रैग कर दिया और ये देखिए ये सिलेक्शन हो गई है। ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के बाद और इसने ये हमें उर्दू में करके दे दिया। देखिए हाथ मिलाने से ग्रेस करें और माशर्ती दूरी बरकरार रखें, हवाई मुकाम और आबाद इलाकों में जाने से ग्रेस करें, पाकिस्तान टेली मवासलात अथॉरिटी PTA। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर बहुत छोटी तो थी लेकिन बहुत काम की क्लास थी। तो इस ऐप को आप यूज़ करें, दूसरों को भी बताएं और दूसरों का भी फ़ायदा करें, अपना भी फ़ायदा होगा इससे। मज़ीद और आप लोगों ने फाइंड करना हो पढ़ना उर्दू में तो इसी तरीके से दोबारा आपने इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिस मैसेज को आप पढ़ना चाहते हो उधर जाके ये मैग्नीफाइंग ग्लास है वहाँ पर जाके छोड़ दें, तो उधर जाके ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको ये उर्दू में कन्वर्ट करके दे देगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल महमूद अली को और इस बेल आइकन को दबाइए।